में टप्पेबाजी की घटना हुई थी, आज का खुलासा हुआ है, कौन ये बदमाश है, कहाँ से इसे गिरफ्तार किया, क्या इसका इतिहास है, कितना सोना बरामद हुआ, कितना गया था? कल शाम को ऑपुलेंट मॉल थाना सियानी गेट के पास में हमको सूचना मिली कि जहांगीर नाम के मेरठ के रहने वाले एक सर्राफा व्यापारी की गाड़ी से टप्पेबाजी की घटना हुई है, जिसमें कि लगभग 650 ग्राम सोना एवं 50,000 कैश उनकी गाड़ी से दो बाइक सवार लड़के उनको बेवकूफ़ बना के ले गए हैं। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने टीमें गठित कर दी थी, CCTV की टीमें गठित कर दी थी एवं आज इसमें सुबह सफलता मिली है हमको। दिल्ली पुलिस के सहयोग से और मैनुअल इंटेलिजेंस के सहयोग से हमारी SOG टीम ने इसमें सफलता हासिल करी है, जिसमें कि हमने रोहन नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार करा है, जो कि इस घटना में जिसने घटना कारित करी थी। ये मदनगीर थाना क्षेत्र अंबेडकर नगर साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसमें जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम अर्जुन है, इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। ये इसके ऊपर 8 मुकदमे हैं, हम लोगों ने इसमें 100% रिकवरी कर ली है। जो 50,000 कैश था अभी वो हमको नहीं मिला है और इसमें आगे की आवश्यक बताने का क्या था और क्या इन्हें पहले से पता चल जाता है कि इस गाड़ी को निशाना बनाना है, इसमें इस बैग में माल हो सकता है या किसी भी राहगीर के साथ इस घटना बन जाती है? देखिए, ये लोग पहले से ही ये काम कर रहे हैं, ये लोग इम्पॉर्टेंट जो चौराहे हैं उन पे खड़े हो जाते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई गाड़ी जिसमें कि एक व्यक्ति आगे ड्राइवर बैठा है और पीछे कोई और व्यक्ति बैठा जिसके बगल में बैग है, तो ये लोग उन गाड़ियों का पीछा करना चालू कर देते हैं। इनको शक हो जाता है कि इसमें कुछ माल हो सकता है, उसके बाद ये जो ड्राइवर होता है उसको उसका ध्यान भटकाते हैं, उसको बताते हैं कि उसकी गाड़ी के बोनट से तेल निकल रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है वो बाइक पे बिल्कुल अलर्ट मोड में रहता है, और जब वो व्यक्ति उतर के उस तेल को देखने लगते हैं तब ये कोई स्प्रे उनके चेहरे पे करके जो बैग होता है उसको लेकर रफू चंपत हो जाते हैं। लेकिन सर, जब ये स्प्रे मारते हैं तो कहीं ना कहीं तो लूट होती है, जब सरेआम जब ये स्प्रे मार रहे हैं तो लूट होती है, टप्पेबाजी कहाँ से जाती है? नहीं, इसमें ड्राइवर के साथ ये बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद जब ये उतर जाते हैं तो तब ये बेवकूफ़ बना के पहले ध्यान भटकाते हैं, उसके बाद करते हैं, इसमें कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं होता है। सर, CCTV का बात करें तो कितने CCTV को पुलिस ने निकाला, और जो पेपर स्प्रे की बात हो रही है ये नॉर्मली शॉप पे नहीं मिलता है, तो इसके लिए ऑनलाइन परचेज किया गया है? देखिए, अभी ये जो इन्होंने बताया जो दूसरा अभियुक्त है अर्जुन है, उन्होंने पेपर स्प्रे करा था, तो जब वो पेपर स्प्रे जब वो अर्जुन हमारे गिरफ्त में आएंगे उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद हम बता पाएंगे। कितने CCTV में पता है? इसमें कई हम लोगों ने 3-4 टीमें बना रखी थी, इसमें हम लोगों ने लगभग 20 से ज़्यादा CCTV खंगाले थे, उसके बाद हम दिल्ली पुलिस के सहयोग से हमने कराए, और इसी घटना के सफल अनावरण के बाद DGP सर ने इसमें 25,000 का रिवॉर्ड भी टीम को घोषित करा है।